प्रदूषण फैलता है, किसान परेशान है, फिर भी अनुमति? सर, इसकी जो पर्यावरण मंत्रालय से जो इनको अनुमति मिली है, ये हमारी आपत्तियों को दरकिनार करते हुए इनको आपत्ति दी गई है, जो बिल्कुल अवैध है। अभी हमने इस संबंध में आरटीआई से सूचना भी मांग रखी है। जैसे ही हमें उनकी सूचना मिल जाएगी तो उन बिंदुओं पर अध्ययन किया जाएगा और इनके खिलाफ एनजीटी में भी याचिका दाखिल की जाएगी। उससे पहले स्थिति ये है कि ये जेके सीमेंट से पहले एक अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट और वहां बना हुआ है और वहां इतनी बुरी स्थिति है कि वहां पे सांस लेने में दिक्कत होती है। और जो हरद्वारगंज रेलवे स्टेशन है वहां पर क्लिंकर जो रॉ मटेरियल है सीमेंट का, वो खाली होता है। उससे उड़ने वाली धूल से वहां के जो स्थानीय निवासी हैं उनको सांस लेने में परेशानी, एलर्जी और इस तरह की बीमारियां फैल रही हैं। सबसे बड़ी बात कि जो रेल मंत्रालय द्वारा जो स्टाफ क्वार्टर्स बने हुए हैं उन स्टाफ क्वार्टर्स को छोड़ के भी कर्मचारी जा चुके हैं और उनमें अवैध लोगों का कब्जा है जो क्लिंकर खाली करते हैं। तो इससे दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं। एक तो अपराध भी वहां बढ़ रहा है, ये पहचान में नहीं आता कि वहां रहता कौन है। पर्यावरण के लिए तो इतनी दुविधा है, वहां पर कोई पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये जो मिल मालिक हैं, जो पूंजीपति हैं, ये खुद भी नहीं चाहते कि वहां पर पर्यावरण साफ सुथरा रहे, क्योंकि रॉ मटेरियल इनको कासिमपुर पावर। दुर्भाग्य है कि अशिक्षा की कमी के चलते ये जिला प्रशासन के लोग और पूंजीपति लोग आपस में गठजोड़ किए हुए हैं और उस गठजोड़ के कारण औपचारिकता में आम लोगों को सूचना भी नहीं आ पाती है कि हमारे यहाँ क्या उद्योग आने वाला है, वो कितना हानिकारक है और इससे क्या दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं। पूंजीपतियों ने पूरी तरीके से सरकार को और ये कार्यपालिका जो जिला प्रशासन है इसको पूरा कब्जे में ले लिया है और पर्यावरण और स्वास्थ्य इनसे पूरी तरह खिलवाड़ करते हुए उद्योग दर उद्योग की इकाइयां ये लोग लगा रहे हैं, जो हानि पहुंच रही है हमारी फसलों को, पेड़ों को, जानवरों को और इंसानों के स्वास्थ्य पर। इसको सुनने के लिए जिला प्रशासन तैयार नहीं है और जो भी कार्यकर्ता हम जैसा कोई भाई बंधु कर रहा है, विभिन्न तरीकों से उसे धमकाया जा रहा है, हटाया जा रहा है, ये अपनी पूर्णतः मनमानी कर रहे हैं। सरकार इनके साथ है, इनके ड्रीम प्रोजेक्ट है, इन्हें हमारी जनता से कोई लगाव नहीं है। क्या नुकसान है इस सीमेंट फैक्ट्री का? डस्ट बहुत पतला डस्ट होता है, ये सांस के रोगियों की संख्या बढ़ाता है, उसी तरह पशुओं को नुकसान देता है और 10 किलोमीटर के क्षेत्र में तमाम फसल, उसमें आम ये अनाज हो, सब्जियां हो और वृक्ष के बाग हो, इन सभी को वो धीरे धीरे खोखला कर देता है, खा जाता है, बंजर भूमि हो जाती है। जी सर, भैया सीमेंट फैक्ट्री में जो है पॉल्यूशन की समस्या बहुत है और जमा के आसपास लोग बहुत परेशान है। देखिए, ये जितने भी इस तरह के उद्योग लगाए जाते हैं उसमें पर्यावरण विभाग की अनापत्ति के बाद ही लगाए जाते हैं और पर्यावरण के मानकों का इनको पालन करना होता है, जिसमें सीमेंट इंडस्ट्री भी एक इंडस्ट्री है। अगर कहीं पे पर्यावरण के मानकों का व्यतिक्रम हो रहा है या उसमें कोई कहीं पे ये उसको इग्नोर कर रहे हैं तो हम क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी से इसकी जाँच करा लेंगे और उसको ठीक कराने की कोशिश